हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप जाकर उसे पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। तो जिनका भी आरआरबी पीओ क्लर्क और NIACL मेंस का एग्ज़ाम है उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों कवर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 21 मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टू एडवाइस पीएम मोदी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, हेड ऑफ द काउंसिल इज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक काउंसिल बनाई है जिसमें वो पीएम मोदी को जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड मैटर्स है उन पर एडवाइस करेंगे। तो उस काउंसिल के हेड कौन है? तो उस काउंसिल के हेड हैं के विजय राघवन। अब के विजय राघवन है कौन? विजय राघवन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इनको एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बना दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है तो वो के विजय राघवन है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नितिन गडकरी कौन है। नितिन गडकरी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के मिनिस्टर है। राजीव गौबा हमारे होम सेक्रेटरी है और अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ कमेटी हेडेड बाय हुम टू मेक इट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी कंपैटिबल विद WTO रूल्स आफ्टर द US चैलेंज्ड इंडियाज एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम एट द मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडी। अब देखिए, इसमें इन्होंने ये बोला है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई जिसमें इंडिया की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी है उसको WTO रूल्स के कंपैटिबल बनाना है। अब हुआ क्या था कि आप सबको पता है कि US और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, जिसमें US ने WTO में इंडिया की जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है उसको चैलेंज किया था। तो US ने ये बोला था कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट सब्सिडी है वो WTO के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती। अब होता क्या है कि इंडिया में जितने भी हमारे एक्सपोर्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट हमें एक सब्सिडी देती है, जिससे होता क्या है कि इंडियन कंपनीज जब बाहर की कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो वो कम रेट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे रखी है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक मोटिव है जिससे हमारी एक्सपोर्ट इंडिया की बढ़े। तो इस चीज़ को अब US ने WTO में चैलेंज कर दिया और इसलिए हमें हमारे जितने भी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पॉलिसी है जिसमें हम लोग ये सब्सिडी देते हैं एक्सपोर्ट की, इसको हमें अब WTO रूल्स के कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, और वो ऐसे कंपैटिबल बनाना पड़ेगा कि हमारे एक्सपोर्टर्स का भी नुकसान ना हो। तो ये जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी के हेड कौन है? तो इस कमेटी के हेड हैं बाबा कल्याणी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो इसको आप ढंग से याद कर लेना। अब बाबा कल्याणी हमारे भारत फोर्ज जो कंपनी है उसके चेयरमैन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टैटिक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। WTO का हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर टू लुक इन टू द इश्यूज ऑफ फूड लेबलिंग, हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल। अब देखिए, हुआ क्या था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाया था जिसमें उन्होंने जितने भी हमारे पैकेज्ड फूड होते हैं जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है शुगर का, सॉल्ट का और फैट, उसमें उन्होंने बोला था कि उन सारे पैकेज्ड फूड पे एक रेड लेबल मार्किंग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स को पता पड़ जाए कि कौन सा फूड उनके लिए हेल्दी है। अब इसमें हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है उनने इस ड्राफ्ट रेगुलेशन पे एक बार होल्ड लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये डर है कि इस वजह से कहीं पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री जो है उस पर एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो ये जो भी इश्यू है इसको रिव्यू करने के लिए एक FSSAI ने एक कमेटी बनाई है। अब उस कमेटी के हेड कौन है? तो उस कमेटी के हेड हैं बी शेषिकरण। बी शेषिकरण जो है वो हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के, तो इनके अंडर ये कमेटी हमारी बनाई गई है। तो अब वो ये जो भी इश्यू है फूड लेबलिंग का उसको रिव्यू करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ 10-member कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ द पीनल प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज़ हेडेड बाय। अब जो भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है इसके अंडर हमारी जितनी भी कंपनीज आती है तो उनके लिए जितने भी लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं
उनको एक बार रिव्यू करने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है, 10 मेंबर कमेटी। तो इस कमेटी के हेड कौन है? इस कमेटी के हेड हैं इंजेति श्रीनिवास। अब देखिए इंजेति श्रीनिवास कौन है, ये हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इंजेति श्रीनिवास कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी है। उसके बाद राजीव गौबा, मैंने आपको बताया ही था कि ये है हमारे होम सेक्रेटरी। और प्रदीप कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार सिन्हा है हमारे कैबिनेट के सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। और जो विजय केशव गोखले हैं, ये हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से सेक्रेटरी है, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ अ व्यू टू रिसॉल्व द स्ट्रेस एंड रिवाइव सच एसेट्स, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप अ हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी विथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड द लेंडर्स हैविंग मेजर एक्सपोजर टू द पावर सेक्टर, हेड ऑफ द कमेटी इज। अब देखिए जो भी हमारा पावर सेक्टर है उस पर बहुत सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स हो रखे हैं अभी, तो उससे डील करने के लिए, जो भी NPA है उससे डील करने के लिए हमारी एक कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी के हेड कौन है? तो इस कमेटी के हेड है प्रदीप कुमार सिन्हा। अब प्रदीप कुमार सिन्हा, मैंने अभी आपको बताया था कि वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है, पर प्रदीप कुमार सिन्हा पहले हमारे पावर सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इसलिए इनको इस कमेटी का हेड बनाया है, ठीक है? अब देखिए सुरेश प्रभु हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, और पीयूष गोयल हमारे रेलवे कोर्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर है, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस PM मोदी ऑन वेदर टू कंटिन्यू विथ और विदड्रॉ फ्रॉम द 16-member रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नेगोसिएशंस, इट इज़ हेडेड बाय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 4-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है, जिसमें वो लोग एडवाइस करेंगे PM मोदी को कि जो भी 16-member कमेटी है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, उसमें रहना चाहिए या फिर हमें उससे विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो इस कमेटी के हेड कौन है? इस कमेटी के हेड हैं सुरेश प्रभु, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर। अब सबसे बड़ी बात, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है क्या? देखिए मैं आपको बताती हूँ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 16 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है? इसके 16 मेंबर्स हैं। अब 16 मेंबर्स हैं कौन कौन से? तो 10 जो भी आसियान कंट्रीज़ है वो एक तो इसमें आती है, जैसे ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और जो 6 और कंट्रीज़ हैं वो हैं हमारी एशिया पैसिफिक की स्टेट्स, जो कि आसियान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी भी है, एग्जिस्टिंग है जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। तो इससे आपको एक चीज़ ध्यान रहेगी कि आसियान मेंबर्स में इंडिया नहीं आता, सबसे पहली चीज़। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आसियान के इनमें से मेंबर्स कौन नहीं हैं और उसमें अगर इंडिया आए, तो इंडिया एक आसियान मेंबर नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ की जो ये RCEP के जितने भी मेंबर्स हैं इनके बीच में एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट प्रपोज किया है, जिसमें क्या होगा कि इन लोगों के बीच में जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे उनमें जो टैरिफ लगा देते हैं, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो दूसरी कंट्री वाले उस प्रोडक्ट पे कुछ टैरिफ लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और जो उनके होम स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस कम रहेगी, ताकि उनकी कंट्री को फ़ायदा हो। IRDAI फॉर्म्ड अ पैनल टू रिव्यू द रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, इट इज़ हेडेड बाय। IRDAI है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इन्होंने एक पैनल बनाया है जिसमें वो जितने भी इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के रेगुलेशंस हैं उनको एक बार रिव्यू करेगी। तो इस पैनल के हेड कौन है? इस पैनल के हेड है सुरेश माथुर। अब यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन एक आपके पास ये आ सकता है कि जो IRDAI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है? और IRDAI के जो चेयरमैन हैं वो है सुभाष चंद्र खुंटिया। तो सुभाष चंद्र खुंटिया जो है वो IRDAI के चेयरमैन हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सुरेश माथुर है वो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए IRDAI का जिसमें वो रिव्यू करेंगे इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के रेगुलेशंस को, तो उस कमेटी के हेड कौन है, तो उस कमेटी के हेड हैं सुरेश माथुर जो कि IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI कॉन्स्टिट्यूटेड अ 16 मेंबर कमेटी टू एग्जामिन मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राइसिंग एस्पेक्ट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द प्रीमियम रेट्स फॉर 2019-20। इट इज़ हेडेड बाय, अब IRDAI ने एक और कमेटी बनाई है 16 मेंबर कमेटी जिसमें वो जो भी मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसकी जितनी भी प्राइसेस है उसको रिव्यू करेंगे और जितने भी यहाँ इसमें व्हीकल्स आते हैं उनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो इस कमेटी के हेड कौन है, इस कमेटी के हेड हैं PJ जोसेफ। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन आएगा तो उसके हेड हैं PJ जोसेफ। अगर आएगा कि इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके हेड कौन है, तो उसके हेड है सुरेश माथुर क्योंकि वो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। तो आज मैंने आपके साथ 8 और इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ को डिस्कस कर लिया है। ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ थी मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर ली। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ये दोनों पार्ट देख कर जाना ताकि अगर कमिटीज़ का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।